हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन। हम मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आ रहा हूं वॉल स्विच का नेक्स्ट प्रश्न। दोस्तों, आज का जो प्रश्न है वो ये है कि व्हाट इज अ बैटरी लिमिट। बैटरी लिमिट क्या है? आप किसी भी प्लांट में जाओ तो वहाँ पे सब लोग बताते हैं कि ये देखो ये बैटरी लिमिट है, और या तो ये बताते हैं कि ये ISBL एरिया है या ये OSBL एरिया है। तो ये ISBL या OSBL एरिया क्या है या बैटरी लिमिट क्या है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले बैटरी लिमिट की परिभाषा अगर देखें, डिफिनेशन, तो बैटरी लिमिट इज द एरिया इन एवरी प्लांट इन विच पाइपलाइन कैरिंग रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग प्रोडक्ट। किसी भी प्लांट की बैटरी लिमिट वह एरिया है जहाँ पे जो पाइपलाइन होती हैं वो रॉ मटेरियल को और फिनिश प्रोडक्ट को कैरिंग करती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं, मतलब भेजने का काम करती हैं। रॉ मटेरियल को लाने का काम करेंगी और फिनिश प्रोडक्ट को भेजने का काम करेंगी, यानी कि इंपोर्ट भी होगा और एक्सपोर्ट भी होगा, रिसीविंग भी होगी और सेंडिंग भी होगी। किसके थ्रू? पाइपलाइन के थ्रू। तो आपको समझ में आ गया दोस्तों। और ये जो है दो टाइप की होती हैं, एक ISBL इनसाइड बैटरी लिमिट होती है और एक OSBL आउटसाइड बैटरी लिमिट। अब इनसाइड बैटरी लिमिट क्या होती है और आउटसाइड बैटरी लिमिट क्या होती है, ये चलिए देखते हैं दोस्तों। द एरिया वेयर द प्लांट एंड इक्विपमेंट आर लोकेटेड इज कॉल्ड ISBL, यानी कि वो एरिया जहाँ पे हमारा प्लांट और इक्विपमेंट दोनों हैं उस एरिया को हम कहेंगे ISBL, इनसाइड बैटरी लिमिट कहेंगे। और दोस्तों, आउटसाइड बैटरी लिमिट क्या कहेंगे कि जहाँ पे हमारा प्लांट और इक्विपमेंट लोकेटेड नहीं है उसे हम आउटसाइड कह देंगे, यानी कि प्लांट और इक्विपमेंट को छोड़ दो तो बाकी जो एरिया है, कहीं कहीं आप देखे होंगे कि बहुत दूर दूर तक हमारी पाइपलाइन जाती रहती हैं, तो उन्हें हम कहेंगे आउटसाइड बैटरी लिमिट। तो दोस्तों, ये तो आप समझ गए बैटरी लिमिट क्या है, बैटरी लिमिट के टाइप क्या है। अब मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा कि क्या बैटरी लिमिट में क्या क्या होता है। जैसे अगर मैं बात करूं यूरिया प्लांट की, ओनली यूरिया प्लांट की, तो यूरिया प्लांट की जो बैटरी लिमिट थी वो वहाँ पे क्या क्या थी, जो पाइपलाइन थी क्या क्या थी। सबसे पहले अमोनिया गैस आती थी। अमोनिया गैस जो है वो आती थी दोस्तों, उसको हम रिसीव करते थे, यानी कि इम्पोर्ट करते थे, अमोनिया गैस को रिसीव करते थे। तो अमोनिया गैस की लाइन आती थी, उसके बाद यूटिलिटी वाटर की लाइन आती थी, पॉलिश वाटर की लाइन आती थी, कूलिंग वाटर की लाइन आती थी, और हॉर्टिकल्चर वाटर की लाइन आती थी, इंस्ट्रूमेंट एयर की लाइन आती थी, नाइट्रोजन गैस की लाइन आती थी, और हाई प्रेशर स्टीम की लाइन आती थी, और CO2 लाइन जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो गैस है उसकी लाइन आती थी। आप जानते हो अमोनिया और CO2 मिलके ही तो यूरिया बनाएंगे, तो ये जो है यूरिया प्लांट में आने वाली थी। अगर वो प्लांट से जाने वाली की बात करें तो हम यूरिया प्लांट से जो भेजते थे वो ATP वाटर, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट जो वेस्ट वाटर है, चाहे ऑयल इन ग्रीस वाला या पल्यूटेड वाटर कुछ भी कह लो, जिसे हम ATP प्लांट को भेजते थे, तो वो जो है वो भी लाइन थी। तो इसे हम कहेंगे दोस्तों एक्सपोर्ट या एक्सपोर्ट, क्योंकि हम भेज रहे हैं, ये तो इंपोर्ट कर रहे थे अपने प्लांट में आने वाली बैटरी लिमिट की जो पाइप लाइनें थी, और बैटरी लिमिट से जो जाने वाली लाइनें थी वो एक ATP वाटर जितने भी एफ्लुएंट थे वो, और स्टीम कंडेंसेट जो भी प्लांट का बनता था उसे हम DM प्लांट में भेजते थे। और आप जानते हो कि स्टीम कंडेंसेट एक तरह से उसमें इम्प्योरिटी बहुत कम होती है, उसके कंडक्टिविटी या टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हो गए या हार्डनेस हुए तो वो बहुत बहुत कम होते थे, उनमें इम्प्योरिटी बहुत कम होती थी, इसलिए उसे एज ए DM वाटर के रूप में हम लेके बॉयलर में स्टीम बनाने का काम कर लेते थे। तो ये जो है स्टीम कंडेंसेट भेजते थे, ETP वाटर को भेजते थे, LP स्ट्रीम लो प्रेशर स्टीम को हम भेजते थे किसी और प्लांट के लिए, और फिर कम्बस्टेबल गैस जैसे नेचुरल गैस जो है हम फ्लेयर स्टैक पे, जो आप देखे होंगे कि यूरिया प्लांट में हमेशा एक चिमनी होती है जलती रहती है, तो वहाँ पे हम LG गैस को, जो नेचुरल गैस को भेजते थे।
तो ये एक बैटरी लिमिट का एक पार्ट है। बैटरी लिमिट में क्या क्या होता है, एक छोटा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि बैटरी लिमिट क्या है, कितने टाइप की है, और यूरिया प्लांट में एक बैटरी लिमिट कैसी होती है, उसके बारे में आपको एक अच्छा सा आइडिया लगा होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।